गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, नाउ जस्ट वन थिंग, मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ जो चीज़ें डिस्कस किए थे ना, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, बट जो कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब आप लोगों को तो दिख रहा था रिकॉर्डिंग में, वो आया नहीं, क्या रीज़न था उसका पता नहीं। सो आपको रिवाइज करने के लिए देर हैज़ टू बी सम थिंग्स जो मिसिंग अगर रहेंगे तो नहीं चलेगा। सो विल जस्ट क्विकली रिविजिट वन टॉपिक जो एक लास्ट के लेक्चर में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सो दैट एग्जाम टाइम पे आपके पास प्रॉपर डिटेल है। सॉरी सर, हाँ कौन सा पार्ट बोल रहे हो आप? लास्ट लेक्चर का जो लास्ट टाइम जो हम लोगों का सेकेंड लेक्चर था ना, वो रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हुआ है टीम पे। सो वहाँ पे सिर्फ वॉइस आ रहा है, वीडियोस एंड बाकी जो नोट्स में से मैंने डिस्कस कराया था वो चीज़ें दिख नहीं रहे उसमें। सो सेम चीज़ मैं यूट्यूब पे डालता हूँ ना आपके अपडेट के लिए, तो वही सेम सिर्फ हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज वो टाइम पे हम लोगों ने वीडियो देखा था एंड उसके साथ में वी वर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। Yes. So we'll quickly revise it. I'll just share my notes. So last time जो हम लोग discuss कर रहे थे वो topic आपका था service level management. This is the topic. अब यहाँ पे mainly बात क्या हो रहा है? So service level जो management है वो क्या है, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इन दिस टॉपिक एज यू कैन सी सर्विस लेवल अग्रीमेंट, अब बहुत सिंपल है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरली फ्रॉम द सर्विस पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो इसको हम लोग SLA भी बोलेंगे, इट्स अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन IT सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कस्टमर कि व्हाट सर्विसेज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू टिल व्हाट टाइम एंड ऑन व्हाट कंडीशंस, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रहेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द अग्रीमेंट इज फ्रॉम द बेसिक अगेंस्ट विच सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स सर्विस लेवल अचीवमेंट्स आर बेसिकली मॉनिटर्ड एंड रिपोर्ट। सो रिमेंबर एज वी नो ITSM, इसमें हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते है ना, मेंटेनिंग द क्वालिटी इज नॉट ओनली इनफ बट टू स्टे इन कॉम्पिटिशन और टू स्टे इन मार्केट वी सपोज टू प्रोवाइड द बेटर आफ्टर सेल्स सर्विस। सो ये जो आफ्टर सेल्स सर्विस जो है, या फिर हम लोग अगर बात करेंगे कि द डिफरेंट वे different way how we can maintain the things, how we can monitor the things or how we can provide the better quality software, uske wo point of view pe baat karte hain. To yahan pe agar aap dekhenge the service level agreement will typically defines the warranty a service is to deliver and describes the utility of the service ki warranty mein kya kya hoga. To if I provide a warranty ki 24/7 suppose aapko support available rahega and uske sath mein if there are some issues with the hardware or software that will be provided support on time free of cost jo bhi hai wo sab yahan pe service level agreement ke andar aayega. So if I purchase any product to jo product hai uske expected and agreed performance of the service jiske upar hum log focus karenge as well as aapne jo kuch promises kiye ya fir aap jo warranty mein de rahe ho 1 year 2 year warranty pattern mein wo sab yahan pe aayega. Okay, so that is what we were talking about here. Now next agar aap dekhenge we have value to business, what do you mean by this? So as you can see we have something which is called as value to business. Ab yahan pe hum log kya point pe baat karenge, value to business service level is an important medium through which business requirements for IT service and targets for all level service are established. ek target define karna zaruri hai. ab ye jo targets hai, ye targets ka matlab kya rahega,
अगर मैं कोई एक मोबाइल अगर डिजाइन कर रहा हूँ तो वहां पे मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, मेरे मेन ऑडियंस जो है वो है हेलो सो यहाँ पे हम लोगों के जो मेन ऑडियंसेस जो रहेंगे इफ यू टॉक अबाउट अ स्मार्टफोन, सो मेन ऑडियंसेस आज के टाइम पे अगर ऑनलाइन स्कूल है सो वहाँ पे चिल्ड्रंस भी रहेंगे, टीनेजर्स आर द मेन पीपल हु विल बी देयर, एंड उसके साथ में उसके आगे जो रहेंगे वो अडल्ट्स रहेंगे. सो अब हर एक के कोई ना कोई पॉइंट्स जो है वो आपको सेटिस्फाई करना है, तभी तो एवरी एज ग्रुप का जो पर्सन है वो आपके ये डिवाइसेस जो है उसको यूज करेगा. सो आपको मेन देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंसेस कौन है ना, और आपको किसको सर्व करना है. जैसे अगर मैं बात करूंगा मोबाइल प्लान्स जो आते हैं, डेटा प्लान्स जो आते हैं, सो वर्क फ्रॉम होम जब से है तो तब से अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा डेटा प्लान जो है इसके ऊपर एडल्ट्स भी फोकस करते हैं, बच्चे भी फोकस करते हैं, लेकिन वंस इफ दिस कंसेप्ट इज एब्सेंट देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे टीनेजर्स आर द मेन पीपल, और वी कैन से एज ग्रुप फ्रॉम 15 या 16 ईयर्स से 50 ईयर्स तक के जो लोग हैं दे आर द मेन पीपल हु आर कंज्यूमिंग मोर डेटा फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर वीडियो कॉलिंग और फॉर एनी अदर फैसिलिटी. सो आपको यहाँ पे देखना है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट या आईटी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करना है वो बेटर किसको प्रोवाइड करना है, आपके टारगेट ऑडियंसेस क्या है जिसको आपको टारगेट करना है, जिसके रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करना है. सो द की बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस फॉर द सर्विस लेवल मैनेजमेंट आर, क्या सबसे पहले क्या बोला है, वी हैव अ सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट इंटरफेस टू द बिजनेस फॉर सर्विस लेवल रिलेटेड इश्यूज. Then there is a point of contact available from ITSM to communicate with regarding requirement and feedback and improvement expected. बहुत simple है. So what are the requirements and कहाँ पे आप उस पे changes करेंगे ना? Sorry, these are the basic points which are provided here. Masses versus classes. Yeah. सेम आएगा स्तुति, दैट विल दैट पॉइंट विल ऑल्सो बी हियर. देन यहाँ पे हम लोगों ने वही सेम कुछ पॉइंट्स दिए, द सर्विस लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, आपको फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट्स जो है इसके ऊपर फोकस करना है, एंड सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ रिलायबल कम्युनिकेशन चैनल एंड अ ट्रस्टेड रिलेशनशिप फॉर कस्टमर एज वेल एज फॉर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, या आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस वो लेवल पे कौन है उनके लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. सो दैट इज वैल्यू टू बिजनेस. उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट. बहुत सिंपल है, सर्टेन पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए. सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट प्रिलिमिनरी टू द वारंटी ऑफ द सर्विस डीलिंग विद द व्हाट लेवल ऑफ सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर इन ऑर्डर टू देम. अब देखो यहाँ पे ये जो वारंटी है ना, दिस वारंटी इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड product which is purchased at commercial level. तो उसके लिए आपके जो warranty durations है, warranty patterns है, टेक्निक से वो अलग रहेंगे. सपोज इफ वी हैव प्रोवाइडेड अ लैपटॉप टू सम यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, तो वो टाइम पे देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, द सपोर्ट विच यू सपोज टू प्रोवाइड देम दैट इज डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे ये इंडिविजुअल लैपटॉप नहीं करेंगे खरीदेंगे, दे विल परचेस इन अ बल्क लाइक 200 और 300 और इवन मोर, है ना, फॉर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. सो टाइम पे जो सपोर्ट होगा, जो वारंटी ड्यूरेशन एंड जो द सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स विल चेंज. So if you are providing the service to an individual customer and the similar way if you provide a service to a person who has purchased 300, 400 laptops from you, if you provide or if you provide the value at the similar level, then वो आपके आपके पास next time नहीं आएगा. सो आपको उसको बेटर वे में प्रोवाइड करना पड़ेगा. इफ दिस लैपटॉप विच इज परचेज फ्रॉम योर साइड एंड इफ दे आर पुटिंग
एवरीथिंग इन अ नेटवर्क, सो देयर हैज टू बी समवन जो ये लैपटॉप्स को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दे, उसको नेटवर्क में कनेक्ट करके दे, या फिर इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग VPN काइंड ऑफ अ सर्विस तो उसमें आपको हेल्प करे, या फिर समवन एल्स हु इज देयर हु कैन प्रोवाइड अ सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट फॉर देम. इफ़ आई से कि देर इज़ एन इशू विद योर लैपटॉप बिकॉज प्रीवियसली माई PCs और पर्सनल कंप्यूटर्स वर कनेक्टेड ओवर VPN नेटवर्क, बट लैपटॉप्स आई एम नॉट बी एबल टू कनेक्ट दिस लैपटॉप्स. So what are the reasons or what are the problems? Help me out with this. So they should provide some concrete solution for the same. So the service level for all service must be determined and ability to deliver against this requirement will be assessed and finally agreed in a formal service agreement. So once the service level requirements are determined with initial service level targets, we gradually refine them. Ab ye bahut zaruri hai, gradually refining them. ट्राई टू मेक इट बेटर 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 सर्विस प्रोग्रेस हम लोग प्रोवाइड करते जाएंगे, है ना. सो जैसे जैसे एडवांसमेंट होंगे वैसे वैसे हम लोग उसको और बेटर बनाते जाएंगे. जैसे आपको यहाँ पे क्या बोला है, इवेंचुअली दे बिकम द पार्ट ऑफ सर्विस लेवल अग्रीमेंट ड्यूरिंग द सर्विस ऑपरेशन इटसेल्फ. सो टाइम टू टाइम हम लोगों ने फाइंड किए, हम लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसको हम लोग धीरे धीरे बेटर बनाने की ट्राई करेंगे. बिल्डिंग द सर्विस विद द रिक्वायरमेंट्स इन माइंड इज एसेंशियल फ्रॉम द सर्विस डिजाइन परस्पेक्टिव. उसके क्या यूटिलिटीज, क्या वारंटी लेवल्स रहेंगे, है ना, और उसके बेस के ऊपर आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है. सो दैट्स इट. इसके बाद में नेक्स्ट इज सर्विस लेवल मॉनिटरिंग चार्ट. अब ये बहुत जरूरी है जहाँ पे हम लोग बेसिकली ऑन ऑन सम डायग्रामेटिक वे में और बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट्स और बेस्ड ऑन सम इंटरवल हम लोग बताएंगे कि ओके व्हेन वी हैव स्टार्टेड प्रीवियसली इन इंडिया हम लोगों का सर्विस लेवल क्या था. नाउ वी हैव टू कॉम्पिटिटर्स हियर, तो उनके सामने इन लास्ट सिक्स मंथ्स व्हाट थिंग्स वी हैव चेंज्ड और उसकी वजह से आपके बिजनेस के ऊपर उसका क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है. पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज निगेटिव इम्पैक्ट, दैट्स वॉट विल बी चेकिंग और डिस्कसिंग हियर. So once service level agreements are agreed and implemented, service performance against the target should be monitored and reported. Reporting mechanisms ek equal interval basis pe rahega or like on quarterly basis or half yearly basis or monthly basis, hai na, aur us wo hum log yahan pe verify karenge. And jaise aap dekho ki if we contact us customer support to wahan pe if I am leaving your services or I am detaching myself from your company. So उसके main reasons क्या थे उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे focus करेंगे. तो service level monitoring charts are visual diagrams or charts providing at a glance overview of achievements and कहाँ कहाँ पे आपने targets achieve किए, कहाँ कहाँ पे miss किए and जिसकी वजह से business को क्या loss हुआ है या future में उसके क्या negative impact हो सकते हैं या because of some changes what positive things happen to our business, वो सब यहाँ पे देखेंगे हम लोग. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्विस लेवल अग्रीमेंट के लिए जो चार्ट रहेंगे वेरी इफेक्टिव इन कलर कोड यूजिंग रेड एम्बर एंड ग्रीन फॉर्मेट. दिस आर पॉपुलरली नोन एज RAG फॉर्मेट चार्ट. ग्रीन रिप्रेजेंट सर्विस लेवल अग्रीमेंट हैज बीन मेट. सेम है, ग्रीन मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल. एम्बर मतलब थोड़ा सा कुछ डिले हुआ है, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हुआ है, बट देर आर चांसेस कि हम लोग वापस उसको थोड़ा मेहनत से वापस अपने सर्विस को लेवल पे ला सकते हैं. दैट्स एम्बर वन. एंड रेड रिप्रेजेंट सर्विस लेवल एज ब्रीच्ड एंड इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द सिचुएशन, अदरवाइज आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा. कस्टमर के साथ हम लोगों के रिलेशंस आर डिटोरिएटिंग एट अ फास्टर पेस. सो वो आपके तीन रहेंगे. ग्रीन मीन्स एवरीथिंग इज परफेक्ट, जो हम लोग के एक्सपेक्टेशन थे उसके हिसाब से चल रहा है. एम्बर मीन्स द सर्विस लेवल आर एट द रिस्क ऑफ ब्रीचिंग, है ना, मतलब आपने जो प्रोमिसज किए थे, जो लेवल आपको अचीव करने की जरूरत थी फॉर योर बिजनेस बेनिफिट, यू आर नॉट अचीविंग दैट लेवल. देन समथिंग विच इज कॉल्ड एज SIP. सो जैसे SIP होता है टुकड़े टुकड़ों में होता है, फॉर लाइक वी हैव सम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स. So let's suppose on monthly basis I'll be investing 5,000, 10,000 or more, whatever. So I'll invest 5,000 in some XYZ, then again 5,000 in some other mutual funds, then 5,000 in some other schemes. So ye way mein kya hoga? In long term this will help me, hai na? So for long term we
बेसिकली वर्क विद SIP. सो आफ्टर 5 ईयर्स मेरा मंथली बेस पे जो मैंने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया है दैट विल जनरेट और फैच आउट अ बिग अमाउंट फॉर मी. तो एग्जैक्टली सेम वे जब यहाँ पे भी हम लोग ये SIP फॉलो करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स प्लान. सो यहाँ पे भी हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स करेंगे. सपोज आफ्टर एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट सपोज आई वॉन्ट 10 करोड़ विथ मी. सो एक साथ थोड़ी आएंगे मेरे पास. जब मैं स्टार्टिंग से जब से मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तब से मैं सपोज 10,000 या 20,000 मंथली बेस पे अगर मैं सेविंग करूँगा तब जाके आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स और इवन 25 ईयर्स आई विल गेट दिस अमाउंट विच इज इनफ फॉर माय रिटायरमेंट लाइफ. सो उसके लिए क्या करेंगे? SIP करेंगे. तो वो क्या हो गया, इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स वी हैव इन्वेस्टेड समथिंग and finally at the retirement we'll get a beneficial or a better life, hai na? So at the end we'll get something better. So exactly same way service level management ya plans jo hai must work in a conjunction with problem management and availability management to instigate a service improvements which felt appropriate. jahan jahan pe zaruri hai tukdo tukdo mein karo, ek sath sab nahi hoga. ek sath sab karne jayenge to kuch bhi proper nahi hoga. So same way problem management process adopt a formal approach to identify root cause and eliminate it by applying a permanent fix. So root cause find karenge and try to fix that problem permanently, not on temporary basis. temporary basis pe fix kab karenge, jab इमीजिएट सम सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, है ना? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी लाएंगे. एल्स परमानेंट सोल्यूशन इज द बेटर ऑप्शन. सो वेयर सर्विस अवेलेबिलिटी इज इम्पैक्टेड अवेलेबिलिटी टेक्निक्स एंड मेथड मे बी यूज टू इम्प्रूव द सेम. सो दैट इज द पॉइंट एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन. सो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन सर्विस लेवल SIP के बाद में यहाँ पे आपको क्या बोला है, will be focusing on service improvement. In what point? Service improvement may initiate also focus on issues such as user training, system and testing, or proper documentation, and relevant people need to be involved. Adequate feedback aapko lena padega, tabhi to kahan pe improvement ki zarurat hai ye pata chalega. If we are not taking a feedback, hai na? अब ये जो फीडबैक है, ये जो एक्चुअल में वो सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं उनके पास से भी रिक्वायर्ड दिस फीडबैक. सपोज इफ आई से यू स्टूडेंट सपोज टू सबमिट एन फीडबैक फॉर द फैकल्टी हु आर टीचिंग हु आर कंडक्टिंग अ लेक्चर्स ऑनलाइन. सो आई विल टेक अ फीडबैक फ्रॉम दो स्टूडेंट्स हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, हु आर जस्ट पुटिंग देयर फोन्स ऑन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अटेंडेंस. उसके पास से अगर इफ आई एम आस्किंग फॉर अ फीडबैक तो मुझे जेन्युइन फीडबैक मिलेगा ही नहीं बिकॉज दे हैव नॉट अटेंडेड लेक्चर इटसेल्फ. सो मुझे किसके पास से लेना है फीडबैक, फ्रॉम द पीपल हु हैव एक्चुअली अटेंडेड दिस लेक्चर्स, हु नोज दैट हाउ सम फैकल्टीज आर प्रोवाइडिंग सम थिंग्स सम नॉलेज टू देम इन वॉट मैनर्स. सो बेस्ड ऑन दैट ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दिस इजीली. सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वही सेम पॉइंट्स के ऊपर वी आर फोकसिंग नाउ. देन सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स के अंदर अगर आप देखेंगे SIP हो गया. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस, दैट इज द की एक्टिविटीज फॉर सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोसेस एक्टिविटीज. कौन से की स्ट्रेटेजीज या की पॉइंट्स है? तो फर्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग एंड निगोशिएटिंग. Negotiate सबसे पहले आएगा, documentation and select something where clients agrees on the service level requirement. And as and when required हम लोग क्या करेंगे, service में new changes लेके आएंगे और ये new changes जो है वो technological changes के साथ में भी होगा और as and when we update any new functions और अगर process में change हुआ उसके साथ में आपके agreement में भी change होगा. बार बार उसको review करेंगे. Now remember, from place to place, ये changes जरूरी होगा. So the service level which is required at US is different from the service level which is required at India, because the way Indians using your software is different compared to how US people are using it. So needs and requirements differ, technology level differs, है ना? तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो भी changes होंगे. Like for example. We have something which is called as doodling.
अभी ये जो गूगल का ये डूडली सर्विस जो है दैट्स बेसिकली क्रिएटेड फॉर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन. अब ये जो एनिमेशन है इसके थ्रू आई विल बी क्रिएटिंग सम वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय बिजनेस आइडियाज, फॉर प्रमोटिंग सम ऑफ माय प्रोडक्ट्स. सो अगर इफ आई एम डेवलपिंग दिस इन यूएस, तो यूएस के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स जो है दोज कैरेक्टर्स विल बी देयर. बट इफ आई एम यूजिंग द सेम एनिमेटेड सॉफ्टवेयर फॉर इंडिया, तो इंडिया में हम लोग के कैरेक्टर्स कैसे रहते हैं, वी हाउ, वॉट कल्चर वी फॉलो, हाउ पीपल इमेजिन देमसेल्व्स और देयर प्रोडक्ट्स, उसके हिसाब से इंडियन पीपल, इंडियन कैरेक्टर्स इंडियन वे में यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे. सो द सर्विस लेवल, द कैरेक्टर्स, एवरीथिंग विल चेंज हियर. दैट्स नेक्स्ट थिंग. उसके आगे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, मॉनिटरिंग एंड मेजर सर्विस परफॉर्मेंस अचीवमेंट्स ऑफ ऑल ऑपरेशनल सर्विस अगेंस्ट द टारगेट विद द सर्विस लेवल मैनेजमेंट. कंडक्टिंग सर्विस रिव्यूज वही है, इम्प्रूवमेंट्स कहाँ पे है, विच आर द अपॉर्चुनिटीज. लाइक अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, आप देखो कि विंडोज 8 जब फेल हुआ ना, सो दैट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एंड्रॉयड एज वेल एज उबंटू काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू कैप्चर द मार्केट, और वही उन लोगों ने किया. We'll discuss about few points. Like one is, let's suppose first after if we go with the sequence, we have Windows XP. Then after Windows XP, we have Windows 7. After Windows 7. विंडो केम अप विद विंडोज विस्ता. अब विंडोज विस्ता जब पिक्चर में आता है, एंड 2005 वाज द टाइम जब एंड्रॉयड पिक्चर में आता है, गूगल लॉन्च एंड्रॉयड, एंड लिनक्स जो है वो मार्केट में एक बूमिंग फैक्टर प्रूव होता है. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम विंडोज विस्ता वाज द बिगेस्ट फेलियर फॉर विंडोज. सो जहाँ पे 90% मार्केट, स्पेशली इंडियन मार्केट, 90% इंडियन मार्केट वॉज कैप्चर्ड बाई विंडोज, एंड सडनली विस्ता के वजह से द सिचुएशन गॉट चेंज्ड. नाउ बिकॉज ऑफ विस्ता मैनी कंपनीज और MNCs स्विच्ड द OS फ्रॉम विस्ता टू लिनक्स. And that is when Linux got popular in market. So, because of the mistake of Windows, Linux जो है वो market capture बढ़ गया उसका. So it means आप देखो कि Linux जो है वो market में पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा. लेकिन the mistake which was done by Windows, उसकी वजह से उसके opponent को बहुत ज़्यादा benefit हो गया. Same way Windows 8. ठीक है, द मोबाइल वर्जन. अब देखो विंडोज 8 का मोबाइल वर्जन आया, अगेन दैट प्रूव्ड अ फेलियर, अगेन एंड्रॉयड ने मार्केट और ज्यादा कैप्चर किया. पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मोर ऑन एंड्रॉयड एज वेल एज ऑन iOS, एंड दैट्स वाई आज के टाइम पे आपको दो ही मार्केट में कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं. वन इज एंड्रॉयड हु कैन नॉट अफोर्ड iOS. And rest people will purchase iOS. So Windows जो है वो अभी picture में ही नहीं आ रहा है, कहीं पे भी picture में नहीं आ रहा है. ठीक है, so ये हम लोग यहाँ पे points पे बात कर रहे हैं. When we don't follow some techniques, some things properly, so उसके वजह से आपके जो opponents है ना उनको बहुत ज्यादा benefit हो सकता है. The same benefit जो आप अगर देखेंगे वो सेम बेनिफिट किसको हो गया, दिस हैज हैपेंड विद लिनक्स. बराबर है, बेनिफिट किसको हुआ, लिनक्स को हुआ. अब लिनक्स हैज नॉट चेंज्ड एनीथिंग, थिंग्स वर सेम. बराबर है, लेकिन जब अगर
उसके अपोनेंट ने मिस्टेक किया तो उसका बेनिफिट जो है वो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स 100% लेंगे. सो द मिस्टेक ऑफ विस्ता दैट्स एन बेनिफिट और यू कैन से एन अपॉर्चुनिटी फॉर लिनक्स. सो द पीपल हु आर नॉट यूजिंग इट दे स्टार्टेड यूजिंग इट. देन आप देखो एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था जहां पे विंडोज के एक्सपी 7, 8, 8.1 है ना, ओनली विंडोज 10 जो था ना वो कंप्यूटर्स लॉक नहीं हुए थे, बाकी सारे जो है वो एनक्रिप्ट हो गए थे, उनका डेटा गॉट एनक्रिप्टेड. रैंसमवेयर अटैक हुआ था. सो अगेन व्हेन दिस अटैक हैपेंड सो उसके बाद पता चला देयर वाज वन एसएमबी पोर्ट विच वाज ओपन इन विंडोज जो बहुत टाइम से ओपन था. दिस इज द बैकडोर और ये बैकडोर जो है वो यूएस आर्मी या मिलिट्री के लिए रखा हुआ था. सो इफ दे आर एट वॉरलाइक सिचुएशन विद एनी कंट्री देन दे विल यूज दिस टूल दिस बैकडोर टू हैंग और जस्ट टू ब्लॉक द नेटवर्क ऑफ दैट कंट्रीज. लाइक अगर इंडिया के साथ अगर पंगा हो रहा है तो इंडिया के मिलिट्री डिपार्टमेंट जो भी या फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हुएवर आर वर्किंग और हुएवर गॉट द सर्वर इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज उनके सर्वर को ये हैंग कर देंगे तो उनका कम्युनिकेशन उनका डेटा उनके प्लान्स जो है वो डायरेक्टली लॉक हो जाएंगे है ना एंड दे विल गेट अ बेनिफिट ओवर द अदर कंट्री. लेकिन ये जो है ये किसी हैकर के हाथ में आ गया एंड दे मिसयूज्ड इट एंड उसकी वजह से ये सारे कंप्यूटर्स जो है वो आप You can just imagine, we have one computer in hospital. अब यहाँ पे we are treating patients. उनके जो treatment होंगे वो ये computers के through होंगे. And those computer got locked. And to unlock this, I supposed to pay a ransom amount. अब ये ransom amount pay करने का मतलब क्या हुआ अगर मैंने आपको license pay किया हुआ है and if you are very well aware about this backdoor, जो आपने Windows 10 में solve कर दिया इसको आपने कवर अप कर दिया तो विंडोज 10 लॉक नहीं हुआ लेकिन विंडोज एक्सपी से 8 and 8.1 तक के सारे सिस्टम्स लॉक हो गए. मतलब अगर आपने ये लॉक किया था सो यू शुड कम यू सपोज टू केम अप विद एन अपडेट जहां पे आप विंडोज एक्सपी 7, 8 and 8.1 के लिए भी एक छोटा सा अपडेट लेके आओ लाइसेंस वर्जन के लिए जहां पे आप ये जो बैकडोर है इसको आप क्लोज करो या ये जो लूपहोल है या एंट्री पॉइंट है इसको आप लॉक करो. लेकिन वो नहीं किया. अगेन आप देखो कि आज के टाइम पे मेनी कॉल सेंटर्स एंड एवरीवन दे स्टार्टेड वर्किंग विद उबंटू और मेनी डिफरेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो अब यहाँ पे नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है. अब देखो यहाँ पे इफ आई एम वर्किंग विद विंडोज सो अभी आई हैव परचेस्ड अ लाइसेंस फॉर विंडोज 10 ठीक है एंड नेक्स्ट आई हैव उबंटू. यहाँ पे दे विल जस्ट फिक्स सम पैचेस and few small updates hai na ek bada release jo hoga big release will be with windows 12 13 14 20 jo bhi aayega usme aayega then again I supposed to purchase the license for the same and instead of this when we talk about ubuntu this is like your mobile app jahan pe jo bhi updates rahenge all update you will get at one place hai na no need to purchase any new agreement sorry license so this is the better option comes with general public license that's license at free of cost ye aapka benefit ho gaya so this way only आपके कुछ मिस्टेक्स रहेंगे आपके कुछ ड्रॉबैक्स जो है एंड अदर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे आप बड़े बैकग्राउंड से अगर देखेंगे सो ये अच्छा भी काम कर रहा है बुरा भी काम कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो रहा है दूसरे को लॉस हो रहा है ना ये सारे पॉइंट्स चलते रहते हैं. सो सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिया है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग सर्विस परफॉर्मेंस अचीवमेंट्स ऑफ ऑल ऑपरेशन सर्विसेज अगेंस्ट द टारगेट सर्विस लेवल
कंडक्टिंग अ सर्विस रिव्यू, आइडेंटिफाइंग इंप्रूवमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी. अब याद रखो, ये इंप्रूवमेंट्स आपको पता होना चाहिए कभी ऐड करना है, अदरवाइज आपके मिस्टेक की वजह से. जैसे विंडोज ने दो मिस्टेक किए, वन इज विस्ता एंड सेकेंड इज विंडोज 8, एंड उसकी वजह से जो iOS है एंड लिनक्स है, ये दोनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ. मतलब विदाउट मच एफर्ट्स योर अपोनेंट ओनली हैंड ओवर देयर मोस्ट ऑफ कस्टमर्स टू यू, दे आर लूजिंग देयर मार्केट कैप एंड यू आर गेनिंग जस्ट बिकॉज पीपल स्टॉप्ड ट्रस्टिंग और दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम. सो नाउ द रिलायबिलिटी इज मिसिंग एंड हेंस दे स्विच टू अ अपोनेंट साइट. सो यहाँ पे वही है, मैनेज अप्रोप्रिएट सर्विस इंप्रूवमेंट प्लान्स, रिव्यू एंड रिवाइज सर्विस अग्रीमेंट्स, सर्विस स्कोप कहाँ पे रहेगा, ऑपरेशनल लेवल अग्रीमेंट, असिस्टिंग सप्लायर मैनेजमेंट टू रिव्यू रिवाइज, अंडरपिनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट्स, लॉगिंग एंड मैनेजिंग कंप्लेंट्स, है ना. अब ये देखो, ये बहुत जरूरी है, एंड इनकॉर्पोरेशन विद बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन्फो टू एड परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग सर्विस अचीवमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब देखो, लिनक्स जो है वो हमेशा अपना बीटा वर्जन रिलीज करता है. यू विल नेवर फाइंड दिस सिचुएशन विद विंडोज, जहाँ पे दे रिलीज देयर बीटा वर्जन. इफ यू आर नॉट रिलीजिंग योर बीटा वर्जन, इट्स फाइन, बट अगर वहाँ पे आप अगर उसको प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे हो, या फिर यू हैव फाइंड आउट कि ओके दिस आर द प्रॉब्लम्स देयर, देन यू सपोज टू रेक्टिफाई इट ना. अब अगर विंडोज 7 में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे, आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया, बट यू हैव नॉट रेक्टिफाइड इट इन एट अदर लेवल्स, तो उसका मतलब क्या हुआ. अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज सर्विस लेवल मैनेजमेंट प्रोसेस. अब ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें वी हैव बिजनेस यूनिट 1, बिजनेस यूनिट 2 एंड मेनी अदर बिजनेस. अब यहाँ पे आपके अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस है ना, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस वी माइट बी हैविंग, और उसके बेस के ऊपर कंपनी प्रोवाइड्स यू डिफरेंट सर्विसेज. अब ये जो यहाँ पे अलग अलग सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके हिसाब से आपके सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स रहेंगे, जहाँ पे आप उसका परफॉर्मेंस ये सब मॉनिटर करेंगे, सर्विस लेवल रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करेंगे, है ना, उसका देन सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स पे आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है वो बताएंगे. सो दिस इज एवरीथिंग कम्स अंडर सर्विस लेवल मैनेजमेंट लेवल, जहाँ पे आप अग्रीमेंट्स पे फोकस करेंगे, रिपोर्ट्स पे फोकस करेंगे, एनालाइज करेंगे, और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो चेक करेंगे हम लोग. सो मेनली हम लोग ये वाले पॉइंट्स पे आपको प्रॉपरली फोकस करने की जरूरत है, सो दैट यू स्टे इन यू स्टे एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर यूजर्स. ये बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे आपको वही बताया हुआ है कि एट डिफरेंट लेवल आप कलेक्ट करेंगे, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन की कहाँ पे जरूरत है वो देखेंगे. सो एज यू कैन सी, वी कलेक्ट एंड इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके ऊपर हम लोगों का फोकस रहेगा. देन सेम वे डेवलप अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेशन रिकॉर्ड्स एंड मैनेज कंप्लेंट्स, सर्विस रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करेंगे, कैटलॉग बनाएंगे. कैटलॉग मतलब एक ब्लू प्रिंट हो गया आपका, जिसके बेस के ऊपर वी कैन आइडेंटिफाई कि ओके आपके अपोनेंट्स जो है दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन दिस एक्स वाई जेड लेवल. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, बिफोर अमेजोन केम इन पिक्चर, फ्लिपकार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपना खुद का मनमानी चलाता था, द सर्विस वॉज वेरी पुअर एंड मैनी पीपल हु आर परचेसिंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम हियर. फॉर एग्जाम्पल एक इशू पेपर में आया था वेयर फ्लिपकार्ट जस्ट इंक्रीज देयर प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम 100 to 200 and later they assign 40% discount on this product. So आप देखो original products price से वो अभी भी महंगे ही आपको product बेच रहा है, लेकिन वो आपको information क्या दे रहा है that we are providing 40% discount to you. And compared to this, Amazon came up with a proper service level agreement. They are improving themselves. They are making their service at such a level that people started ट्रस्टिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. याद रखो, इसके पहले कोई ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था. इन टूडेज टाइम इफ आई ऑर्डर एनी थिंग फ्रॉम अमेजोन एंड इफ द पॉइंट इज गिवन दैट यू विल डेफिनेटली गेट अ रिफंड और समथिंग, सो 1000 में से कोई एकाध कोई प्रॉब्लम आता रहेगा, बट मोस्ट ऑफ पीपल आर वेल सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस. एंड दैट्स वाई नाउ फ्लिपकार्ट जो है इसको अपने सर्विस इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस करना पड़ा. दे ऑल्सो चेंज देयर सर्विस इम्प्रूवमेंट और दे वर्कड ऑन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्लान SIP.
आई होप जो भी मैं बता रहा हूँ वो क्लियर है सबको. सो ये आपके कुछ पॉइंट्स रहते हैं जहाँ पे आपको अगर मार्केट में रहना है, आपने स्टार्टिंग से अपने अगर कस्टमर्स को अगर प्रॉपरली अगर आपने उनको ट्रीट नहीं किया, डेफिनेटली वंस दे फाइंड सम अदर ऑप्शन दे विल चेंज इट. वो आपके पास रहेंगे ही नहीं, है ना. सो ये ज़रूरी होता है. सो सप्लायर मैनेजमेंट, कौन सप्लायर्स है, सपोर्ट टीम क्या है, वो प्रॉपर वर्कआउट करेंगे. सो वही आपको दिया है. सो वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड अ सप्लायर लेवल मैनेजमेंट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट्स आर यूजफुल टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. हाउ मच योर सर्विसेज आर एफिशियंट एंड देयर इफेक्टिवनेस. पीपल जो है वो कितना, या कस्टमर्स कितना आप पे भरोसा कर रहे हैं. लाइक आपने पहले सुना रहेगा बहुत बार जो पायरेटेड प्रोडक्ट्स है वो फ्लिपकार्ट पे बेचे जाते थे, एंड समटाइम्स पेन ड्राइव के जगह पे यू विल गेट ओनली अ स्टोन, या फिर कभी कभी इंस्टेड ऑफ पेन ड्राइव दे जस्ट सेंड लैन केबल का जो स्टार्टिंग का लीड होता है ना वो. सो ये क्या हो गया, आई हैव परचेज समथिंग फॉर 500 रुपीज और इवन मोर, एंड यू आर जस्ट सेंडिंग सम डमी प्रोडक्ट, एंड आफ्टर सेलिंग दिस प्रोडक्ट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑल्सो टू माई क्वेरीज. सो ये क्या हो गया, दिस इज द कम्प्लीट मैटर ऑफ अ चीटिंग. सो अगर मैंने ऐसा एक बार भी अगर प्रॉब्लम फेस किया है, सो आई जस्ट, अब याद रखो मार्केट में बहुत बार माउथ पब्लिसिटी होता है. लाइक इफ आई फाउंड अमेजॉन सर्विस इज बेटर, सो आई जस्ट रिकमेंड द सेम सर्विस टू माई फ्रेंड्स, टू माई फैमिली, आई परचेज गिफ्ट फॉर देम एज वेल, एंड मेरा देख के मैनी अदर पीपल ऑल्सो दे विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग द सेम सर्विस. सो आप ये माउथ पब्लिसिटी अगर मिस कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर मिसिंग अ लॉट इन टूडेज टाइम एज वेल. अगर मैं, आई हैव एन ऑप्शन टू पुट अप अ रिव्यू, एंड इफ आई प्रोवाइड अ रॉन्ग रिव्यू फॉर यू, तो इसका मतलब है कि आपका बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ना वो लोग खरीदेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल देखो, वी प्रोवाइड अ रिव्यू. सो अमेजॉन गॉट अ सर्विस जहाँ पे आई कैन पुट अ रिव्यू देयर. सो आज अगर मैं कोई एक मूवी के लिए भी जा रहा हूँ, और इफ आई एम परचेस सम प्रोडक्ट, आई फर्स्ट चेक द रिव्यूज कि आउट ऑफ 5 stars हाउ मेनी स्टार्स आर अलॉटेड. सो इफ देर आर 3000 पीपल हु हैव असाइंड 3 star टू दिस प्रोडक्ट, सो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है इज नॉट वर्थ. बट आउट ऑफ 3000 मोस्ट ऑफ पीपल हैव अलॉटेड लाइक 4 stars और 4.5 star, then I'll say this product is definitely made for me, है ना. So reviews are the most important thing in today's time. So आपको competition में रहना है, तो अभी देखो ये इससे benefit क्या हो गया, Amazon को individually किसी के ऊपर, कोई product के ऊपर अलग से individual monitor करने की ज़रूरत नहीं है. They are using an algorithm. They are just describing those merchants. Like we have suppose a Samsung phone. Now there are 100 of merchants or 100 people or 100 stores are there who are selling this phone. But based on this store's rating, मैं क्या करूँगा, उनको list out करूँगा in ascending order. And based on their products are visible to our customers and they can purchase a product. So the merchants or a stores who are providing best service, they will be labeled first, and who are providing a worse service, jinka rating down ja raha hai, will put them at the last option. And uske niche bhi hum log wahan pe then alag se wapas kuch notification, kuch points bata denge. So if any problem occurs, we are not responsible, or will इन एडवांस ओनली विल जस्ट इन्फॉर्म दिस थिंग्स टू आर कस्टमर्स, है ना, सो दैट वो उनके पास जाए ही नहीं. सो यहाँ पे आपको वैसे ही कुछ दिया हुआ है मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या बताया, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. सो यहाँ पे क्या बोला है, मैट्रिक्स कैन फर्दर बी यूज टू चेक द परफॉर्मेंस इंडिकेटर. मैट्रिक्स शुड बी डेवलप फ्रॉम द सर्विस कस्टमर बिजनेस परस्पेक्टिव एंड लेटर इनकॉर्पोरेटेड अ रिलेवेंट रिपोर्ट. मैट्रिक्स शुड कवर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स. यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स लाइक नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ अ सर्विस टारगेट्स मेट एंड सीवियरिटी ऑफ द सर्विस ब्रीच, कहाँ पे सर्विस मैच नहीं हुआ. तो ये जो कस्टमर्स है इनको आपको वापस कॉन्फिडेंस में लाना है. गेटिंग वाई वी हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग. आप देखो कि अमेजॉन हैव मेड थिंग्स सो सिंपल,
अगर मुझे अगर कॉल करना है ना, आप कस्टमर केयर पे अगर जाएंगे, इफ यू गो टू कस्टमर केयर, यू विल गेट एन ऑप्शन वेयर दे विल कॉल यू बैक फ्रॉम इंटरनेट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके बाकी के जो जो सप्लायर्स है दे चार्ज यू सम मनी. मतलब अगर मैं उनका नंबर भी अगर डायल कर रहा हूँ ना, स्टिल आप देखो देर आर मल्टीपल पीपल हु चार्ज सम और द अदर अमाउंट टू यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉल देम. सो इसका मतलब क्या है, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस और फिल्टर आउट इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट कंपेयर टू सम नॉर्मल प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे Amazon is not doing any such things. Amazon के आप ऐप पे जाओ, you will get an option. Like if I am on Amazon app, so I'll get an option कि you want to file. If I contact a customer care, so यहाँ पे they will provide a list of product जो मैंने suppose some product which is delivered today or which is delivery scheduled for tomorrow. और यस्टरडे है ना, और बिफोर अ वीक. सो ये सब आपको बताएगा एंड देन इट विल आस्क यू सिलेक्ट विच प्रोडक्ट यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद. सो सपोज आई विल से आई हैव अ प्रॉब्लम विद टुडेज ऑर्डर, सो दे विल प्रोवाइड अ ऑप्शन कि बेसिक जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ऐसा कुछ है, इमीडिएटली दे विल गेट बैक टू यू. अगर ये सब छोड़ के और कुछ प्रॉब्लम है देन दे विल आस्क यू वेर यू कैन कनेक्ट विद अ कस्टमर केयर, जहाँ पे कॉल बैक का ऑप्शन होगा. नाउ वंस यू क्लिक ऑन अ कॉल बैक यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम देम. सो यहाँ पे आपको इनकमिंग आ रहा है, यू आर नॉट यूजिंग एनी आउटगोइंग फैसिलिटी हियर. सो इसका बेनिफिट क्या हो गया, दैट इफ यू हैव अ प्रीपेड अकाउंट और समथिंग स्टिल यू कैन कनेक्ट विद द कस्टमर केयर, है ना, एंड वॉट एवर द केस माइट बी, बट यू आर नॉट पेइंग एनी सिंगल चार्ज और एनी सिंगल रुपी to connect to customer care, जो बाकी बहुत सारे products या cases में होता है, and वो आपको एक proper solution provide कर देंगे, right? So यहाँ पे ये आपका benefit है, जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, we have a customer care, जहाँ पे आपको अलग अलग ways में, अब देखो ये यहाँ पे जो है हम लोग suppose हम लोगों ने auto answering machine भी रखा हुआ है, and ये answering machines अगर आपका doubt अगर solve नहीं कर पा रहा है, automatic question answers जो है वो अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन यू कैन कनेक्ट टू कस्टमर केयर, विच इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि जहाँ पे रिपीटेटिव एक ऑडियो मैसेजेस बचते रहते हैं एंड हम लोग इजीली कनेक्ट नहीं हो पाते, ऐसा कुछ नहीं है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल कंपेयर टू वॉट अदर पीपल प्रोवाइड्स. सो इससे क्या होगा कि जो भी लोग आपका सर्विस परचेस करने आ रहे हैं उनके लिए ये एक बेटर बेनिफिट हो जाएगा, एक सिंप्लिसिटी हो जाएगा. सो दिस इज़ समथिंग वेयर वी आर above some of our competitor, जो आपको कुछ services जो वो proper way में provide नहीं कर रहे, उससे better way में we are trying to provide those service to you. So capacity management में क्या बोला, capacity management मतलब आपका capacity क्या है. If I provide you कि okay, in India we have suppose 100 crore people are there, अब उसमें से आपको अगर suppose if we are starting our business at 4 states, ab unka total population if I say that's a 40 crore MP, UP, Bihar, etc, etc. So ab aapko dekhna hai ki when you are trying to launch a product at such place, do you have the capacity plan to fulfill them or their needs? Getting, if Jio provides, like we have a Jio, if Jio started launching a phones which are at less, at very very cheap price or at very less price. So if you are launching at India, pan India level, तो आपका capacity है क्या कि अगर आपके पास 10 करोड़ order आएंगे, so you whether are you able to fulfill those orders? Because आप देखो कि if I ordered at XYZ date, ठीक है, और उसके बाद में it takes like 10 days or even more to deliver this product. तो उसके बाद में आई विल नॉट बी ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट एनी मोर. गेटिंग, सो करंट एंड फ्यूचर डिमांड्स क्या होंगे कस्टमर्स के, और उसके हिसाब से आप फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के. सो याद रखो इन टूडेज टाइम ITSM में फ्यूचर फोरकास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. मॉनिटरिंग द पैटर्न बिजनेस एक्टिविटी,
जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, थ्रूपुट देखेंगे. थ्रूपुट मतलब आपका एवरेज आउटपुट क्या रहा है मार्केट में कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स. आईटी सर्विस सपोर्टिंग इंफ्रा एनवायरमेंटल डेटा एंड एप्लीकेशन कंपोनेंट. अंडरटेकिंग ट्यूनिंग एक्टिविटीज टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग आईटी रिसोर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड इन कंजंक्शन विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर आईटी सर्विस डिमांड मैनेजमेंट प्रोसेस. नाउ द प्रोएक्टिव इंप्रूवमेंट्स ऑफ द सर्विस और अ कंपोनेंट परफॉर्मेंस वेर एवर इट इज कॉस्ट जस्टिफाइबल एंड मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस. सिंपल पॉइंट्स है, नथिंग टू डिस्कस एनी मोर पॉइंट्स हियर. देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे, लास्ट टू पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, द प्रोएक्टिव. अब देखो प्रोएक्टिव बोला है, प्रोएक्टिव इंप्रूवमेंट्स ऑफ द सर्विस और अ कंपोनेंट वेर एवर द कॉस्ट जस्टिफाइबल एंड मीट द कस्टमर नीड्स. प्रोएक्टिव शुड बी देयर, रिएक्टिव नहीं. रिएक्टिव मतलब क्या हो गया, यू फेस सम प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ. लेकिन आप जब तक खुद को इम्प्रूव करें, मेनी पीपल विल स्विच टू योर कॉम्पिटिटर और अपोनेंट्स. सो टू रिस्ट्रिक्ट दिस स्विच, बेस्ट एग्जाम्पल आप देखो इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है, इफ जियो कम्स विद सम प्लान, so at same point of time Airtel as well as they will also come up with some or the other plan which will match with this plan. So if Jio provides some it's not a situation and they'll say that we are providing like some prime service और Netflix सर्विस विच इज इन टूडेज डिमांड. सो मैं आपको 400 में ही सर्विस दे रहा हूँ विच इज प्रोवाइडेड 250 बाई जियो, बट उसके साथ में कुछ और आपको यहाँ पे बेनिफिट्स है. सेम वे गोज विद वोडाफोन एज वेल. अब वोडाफोन का जो है यहाँ पे वो इंडिविजुअली जब अगर इससे कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहा था, सो एज वी नो वो वी आया हुआ है ना. सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कंपनीज दे कोलैबोरेटेड टुगेदर एंड स्टार्टेड विद देयर न्यू वेंचर, जहाँ पे नाउ दे कैन लॉन्च सम प्लान एंड दे हैव दिस मच कस्टमर्स जिसके लिए वो एक बेटर प्लान बना सके. सो समटाइम्स फॉर द प्रोएक्टिव इंप्रूवमेंट्स आप इंडिविजुअली अपने बिजनेस या सर्विस को इम्प्रूव करोगे ये नहीं चलेगा, समटाइम्स कोलैबोरेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो आज के टाइम पे इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, आप इंडिविजुअल वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, देयर गोइंग टू बी अ कोलैबोरेशन between multiple companies, multiple people or company, or we can say multiple services will come together or ye services can achieve the service component ya performance. I hope this is very clear to everyone. Individual company ya individual person cannot do that. So proactive ka matlab hai before that only. Jaise maine aapko last time bhi example diya tha, I am providing you 100 GB of data or 50 GB data. Ab I am using Facebook only. So main starting mein ek bar le bhi lu, I'll watch some movies or something. But uske baad I don't have any options to utilize this data. To aapne kya kiya? You have taken a proactive. Matlab main jab aapko 50 GB ka koi ek plan de raha hu, 30 GB डेटा का कोई प्लान दे रहा हूं, सो आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ वे टू यूज दिस डेटा बाय अ प्राइम सर्विस और प्रोवाइडिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म. क्या होगा? ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन. नाउ इसके ऊपर इफ यू आर विद ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपको ये 30 GB भी कभी कभी कम पड़ेगा, सो आई विल प्रोवाइड यू टॉप अप प्लान्स. ठीक है, सो ये हम लोग के पैटर्न है आज के, जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू सम सर्विस एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ वे टू बेटर यूटिलाइज दोज सर्विसेज. ये आपका प्रोएक्टिव इंप्रूवमेंट हो गया. अंडरस्टैंड द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द बिजनेस. अब देखो जो भी कंपनीज पहले थे ना वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहे थे, जियो केम अप विथ सम कॉन्क्रीट जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है. मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, एयरटेल या कोई भी वोडाफोन जो भी है वो कभी भी अपने खुद के स्मार्ट टीवीज या फिर अपने खुद के वो
जो अलग से कोई सेट टॉप बॉक्स के बारे में सोच नहीं रहे थे. एज सुन एज जियो स्टार्टेड प्लानिंग फॉर देम, एयरटेल ने सबसे पहले लॉन्च कर दिया. जियो पोस्टपोन्ड इट सो दैट दे कैन प्रोवाइड इट इन सम बेटर वे. क्यों? बिकॉज अभी का उनका जो फेलियर हुआ ना, उससे उन्होंने ये सीखा है. ठीक है, दे फेस सम फेलियर्स फ्रंट ऑफ एयरटेल विथ रिस्पेक्ट टू जियो फाइबर एंड उनका जो डिश टीवी जो आने वाला था, ये सब दे एवरीथिंग जस्ट ऑन होल्ड फॉर अ वाइल्ड सो दैट आप मार्केट में जब हिट करेंगे. आप देखो कि जो हम लोग के पास जो जियो मार्ट था, ठीक है, नाउ देखो वी हैव अ जियो मार्ट फैसिलिटी. यू डायरेक्टली गॉट अ कॉम्पिटिशन विथ अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट एंड मेनी अदर हु आर ऑलरेडी देयर इन मार्केट, हु आर रनिंग देयर बिजनेस फ्रॉम ईयर्स. दे गॉट सो मच एक्सपीरियंस. सो यू आर डायरेक्टली ट्राइंग टू कम्पीट योर सेल्फ विद दिस एक्सपीरियंस पीपल. सो वो टाइम पे आपका सर्विस स्टार्ट पे ही बहुत प्रॉपर होना चाहिए. जियो मार्ट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एज सुन एज वी स्टार्टेड प्लेसिंग ऑर्डर, इट शोज डिलीवरी इन 2 डेज, सडनली इट बिकेम 3 डेज, सडनली इट बिकेम 4 डेज. सो विदाउट अ प्रॉपर नोटिफिकेशन, विदाउट एनी कस्टमर सपोर्ट, इट्स कीप ऑन डिलेइंग योर डिलीवरी. एंड वॉट आर द रीजन्स, वी डोंट नो. सो ये क्या हो गया, दिस इज अ ड्रॉबैक. आई हैव स्विच्ड बैक अगेन टू Amazon. Now, if you are launching this JioMart again, still I don't trust you, ना? एक बार मैंने पे किया, कोई काम के प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे. सपोज मैंने कोई बर्थडे के लिए या कुछ बनाया मंगाया था, या हाउस के लिए मैंने कोई ग्रोसरीज मंगाए थे. नाउ यू डिलेड दोज प्रोडक्ट, जिसकी वजह से मुझे भर भर के गाली पड़ा. ना आई एम नॉट गोइंग टू अगेन ऑर्डर प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर मी ओनली. गेटिंग? सो लॉन्ग टर्म प्लान समझना है, और उसके हिसाब से मार्केट में इफ यू आर ट्राइंग टू लॉन्च समथिंग. अब देखो, जियो इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, दे गॉट ऑल द रिसोर्सेस, दे गॉट ऑल द रिसोर्सेस एज वेल एज दे हैव मार्केट कैप एज वेल. बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक यू आर डिक्रीजिंग योर मार्केट कैप, और यू आर सेंडिंग योर मार्केट कैप टू अपोनेंट्स. सो जो कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा था, वो भी अभी जाके अमेजोन से शॉप करेगा, बिकॉज अमेजोन ने जो बोला था वो उतने टाइम में गारंटीड डिलीवरी उसने करके दिया. और नहीं भी किया तो आई डू हैव अ कस्टमर सपोर्ट एंड एवरी अदर ऑप्शन, रिफंड ऑप्शन है. अब आप देखो कि इंस्टेड ऑफ 2 डेज, इफ जियो डिलीवर सम प्रोडक्ट एट 7 डेज, एंड इफ इट सेज कि रिफंड जो है वो आपका 2 दिन में इनिशिएट होगा, हाउ कैन आई ट्रस्ट कि अगर डिलीवरी आपका 2 दिन का 7 दिन में हुआ, तो रिफंड जो है वो तो आप 2 दिन बोल के एटलीस्ट यू विल टेक 20 डेज, है ना? सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो बहुत बार आपके आइडियाज बहुत सारे अच्छे होते हैं, लेकिन टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज वी शुड हैव सम वेरी फ्लेक्सिबल ग्राउंड, जहाँ पे जो मिस्टेक्स अमेजोन ने फ्लिपकार्ट ने किए थे स्टार्टिंग में, वो मिस्टेक्स सेम आप रिपीट ना करो. सबसे पहले तो ये सर्विस प्लान बनेगा. ओके, विल अगेन डिस्कस द सेम पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, सो वो साथ में रिकॉर्ड हो जाएगा.